नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिनेमा और चर्चा पर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कमाई के मामले में हॉलीवुड में किसने बाजी मारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक्टर टॉम क्रूज साल 2022 में अब तक की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले हॉलीवुड एक्टर बन गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉम क्रूज ने 27 मई को रिलीज हुई फिल्म टॉप गन मेवरिक के लिए 100 मिलियन डॉलर यानी 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा फीस ली है। इसी के साथ वो 2022 के पहले 6 महीने में ही हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए हैं। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो विल स्मिथ 35 मिलियन डॉलर यानी 280 करोड़ रुपए की फीस के साथ दूसरे नंबर पर हैं। विल स्मिथ को ये फीस उनकी अपकमिंग फिल्म इमैन्सिपेशन के लिए मिली है। दोस्तों फिर भी टॉम क्रूज और विल स्मिथ की फीस के गैप के बारे में बात करें तो ये गैप बहुत ज़्यादा है। दोस्तों 800 करोड़ रुपए और 280 करोड़ रुपए में बहुत ज़्यादा गैप होता है। हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, ड्वेन जॉनसन, विन डीजल और जोकिन फिनिक्स समेत कई अभिनेता शामिल हैं। दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो टॉप गन मैवरिक ने बॉक्स ऑफिस पर 1.2 बिलियन डॉलर यानी 9594 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की है। इसके साथ ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार करने वाली टॉम क्रूज की पहली फिल्म बन गई है। दोस्तों आइए अब नज़र डालते हैं हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स की फिल्मों और ली गई फीस की लिस्ट पर। टॉम क्रूज अपनी फिल्म टॉप गन मैवरिक और 800 करोड़ रुपए की फीस के साथ पहले स्थान पर हैं। फिर दूसरे स्थान पर विल स्मिथ, जिन्होंने इमैन्सिपेशन के लिए 280 करोड़ रुपए लिए हैं। फिर लियोनार्डो डिकैप्रियो किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए 240 करोड़ रुपए के साथ तीसरे नंबर पर हैं। ब्रैड पिट ने फॉर्मूला वन नाम की फिल्म के लिए लियोनार्डो जितनी फीस यानी 240 करोड़ रुपए ही लिए हैं। चौथे नंबर पर ड्वेन जॉनसन, जिन्होंने ब्लैक एडम के लिए 180 करोड़ रुपए लिए हैं। फिर विल फेरल स्पिरिटेड के लिए, क्रिस हेम्सवर्थ एक्सट्रैक्शन 2 के लिए, विन डीजल फास्ट एंड फ्यूरियस के लिए, टॉम हार्डी वेनम 3 के लिए, जोकिन फिनिक्स जोकर 2 के लिए, रियान रेनॉल्ड्स स्पिरिटेड के लिए और डेंजल वॉशिंगटन द इक्वलाइजर 3 के लिए 160 करोड़ रुपए की फीस के साथ पांचवें नंबर पर हैं। जेसन मोमोवा छठे नंबर पर हैं, जिन्होंने एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के लिए 120 करोड़ रुपए लिए हैं। एडी मर्फी भी छठे नंबर पर हैं, जिन्होंने फिल्म बेवरली हिल्स कॉप 4 के लिए 120 करोड़ रुपए की फीस ली है। क्रिस पाइन ने स्टार ट्रैक 4 के लिए 103 करोड़ रुपए फीस ली है और वे इस लिस्ट में सातवें और आखिरी नंबर पर हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सिनेमा जगत से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।